हम CPIM जिला सिरमौर इकाई की तरफ से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने 5 नवंबर से 11 नवंबर तक पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया, जिस अभियान का नाम था नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करो लामबद्ध हो, और सभी आम जनता से अपील की थी कि इस संघर्ष में आगे आए। हमारी पार्टी का मानना है कि 80 के दशक से ये शुरू और 1991 के बाद पूरी तरह से लागू जो नव उदारीकरण की नीतियाँ हमारे देश के अंदर लागू की जा रही है और वो तमाम सरकारों द्वारा लागू की जा रही है, जिन नीतियों का मकसद है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना और देश के अंदर जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और दूसरी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को कम करना, ये मुख्य मकसद है, और राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी वित्तीय पूंजी को फायदा पहुंचाने का काम इन नीतियों का मुख्य मकसद है, जिसको हमारे देश के अंदर जो है 1991 से धड़ल्ले से लागू किया जा रहा है। और 2002 में उस समय के जो है अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री होते थे, तो उन्होंने जो है विनिवेश कार्यालय जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अमेरिकन प्रो अमेरिकन जो है वो नीतियों को लागू करते हुए देश के अंदर खोला, और उसके बाद हमारे प्रदेश के अंदर तत्कालीन जो है धूमल जो हमारे मुख्यमंत्री होते थे भाजपा नीत जो वहाँ सरकार थी प्रदेश के अंदर, उसने जो है MOU साइन किया, और उस MOU के साइन के चलते हमारे प्रदेश के अंदर जो है 38,000 सरकारी पदों को समाप्त किया गया और तमाम क्षेत्र का जो है निजीकरण की तरफ जो है आगे उसमें बढ़ा गया, और हमारे जो है प्रदेश के अंदर जो है FRBMA जो है कानून जो है उसको लागू किया गया, और 2005 में श्री वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने 5 में उस MOU को कानून बना दिया, जिसके चलते आप ये कहते हैं कि उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि आप राजकोषीय घाटे में 2.5% से ज़्यादा नहीं जा सकते, इसलिए राजकोषीय घाटे को 2.5% से कम करने के लिए आपको सेवाएं समाप्त करनी पड़ रही है, जिसके चलते आज हमारे प्रदेश के अंदर आप आर्थिक हालात देखिए हमारे प्रदेश के अंदर और जिला के अंदर जो है आप शिक्षा के अंदर स्वास्थ्य के अंदर परिवहन के अंदर दूसरे तमाम पशु चिकित्सा उसके विभाग के अंदर कृषि विभाग के अंदर सारे विभागों के अंदर जो है आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, और वर्तमान सरकार ने भी जो है यहाँ बहुत सारे पदों को अभी हाल ही में समाप्त किया है और जरूरत अनुसार उनको चलाने का काम उन्होंने कहा है। तो हम इन नीतियों का मुखर विरोध करते हैं, और CPIM हिमाचल प्रदेश के अंदर दिसंबर के बाद जो है एक इकोनॉमिक जो है अर्थनीति का एक अल्टरनेट हम लोग जो है प्रदेश की जनता के सामने पेश भी करने जा रहे हैं, यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद।